दोस्तों, आज हर दूसरा व्यक्ति लीवर से संबंधित किसी न किसी रोग से पीड़ित है। आज उन रोगियों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो होम्योपैथिक पद्धति में वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन में से एक है, और इस मेडिसिन का नाम है कार्डुअस मेरिनस। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास स्वागत करता हूँ आप सबके अपने चैनल होम्योपैथी द नेचर्स गिफ्ट पर। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कार्डुअस मेरिनस प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसे सेंट मेरीज थीसल भी कहा जाता है। पहले जानते हैं कि कार्डुअस मेरिनस मानव शरीर में कहां कहां पर कार्य करती है, यानी एक्शन ऑफ कार्डुअस मेरिनस। कार्डुअस मेरिनस मुख्यतः हमारे लीवर एवं पोर्टल सिस्टम यानी लीवर की शिरा एवं धमनी आदि पर कार्य करती है। इसके अलावा कार्डुअस मेरिनस वेस्कुलर सिस्टम यानी हमारे शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी कार्य करती है। अब जानते हैं कार्डुअस के रोगी की मानसिकता के बारे में। कार्डुअस का रोगी उदास, निराश एवं भुलक्कड़ किस्म का होता है। अब जानते हैं कि कार्डुअस मेरिनस के रोग लक्षणों के बारे में और ये किन किन रोगों के होने पर उपयोग में लाई जाती है। कार्डुअस रोगी को आईब्रोज यानी भौहों के ऊपर जकड़न सी महसूस होती है, सिर दर्द होती है और चक्कर से आते हैं जिससे रोगी सामने की ओर गिर जाता है। रोगी की आंखों में भारीपन एवं जलन पड़ती है, नक्सीर फूट जाती है और खून बहने लगता है। ऐसे में कार्डुअस को उपयोग करना चाहिए जिससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। कार्डुअस रोगी के मुंह का स्वाद कड़वा सा रहता है, जीभ पर सफ़ेद मैल की परस सी जमी रहती है। रोगी को मितली आती है और उल्टी हो जाती है, उल्टी रंग में हरी एवं जलनशुदा होती है। रोगी को पेट में बाईं ओर स्प्लीन के निकट यानी प्लीहा के नज़दीक सुई गड़ने जैसी दर्द होती है। ऐसी परिस्थिति में कार्डुअस लाभदायक मेडिसिन रहती है। कार्डुअस रोगी को छाती के दाहिने ओर के रिब्स यानी पंजरे के नीचे भीतर की ओर और सामने की ओर सुई गड़ने जैसी दर्द होती है जो हिलने डुलने से और चलने फिरने पर बढ़ जाती है। कभी कभी सीने का दर्द कंधे, पीठ, पेट और कमर तक पहुंच जाती है। ऐसी परिस्थिति में कार्डुअस को उपयोग करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। किसी भी रोगी को कलेजे के पास दर्द होने के साथ खांसी होने पर एवं लीवर के दोष की वजह से खांसी होने पर कार्डुअस लाभदायक मेडिसिन रहती है। माइंस में काम करने वाले व्यक्तियों को यानी खानों में काम करने वाले व्यक्तियों को अस्थमा होने पर या फिर सांस लेने में कठिनाई होने पर भी कार्डुअस के उपयोग से लाभ मिलता है। कार्डुअस रोगी को भूख कम लगती है। रोगी को लीवर के स्थान पर दर्द होती है। लीवर का लेफ्ट लोब सेंसिटिव रहता है। सरल भाषा में कहें तो लीवर के बाएं ओर का भाग सेंसिटिव रहता है। लीवर के स्थान पर भारीपन बना रहता है। रोगी को गाल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं जिस वजह से गाल ब्लैडर में सूजन एवं दर्द होती है। इन रोग लक्षणों के चलते कार्डुअस, जॉन्डिस, फैटी लीवर, एनलार्ज्ड लीवर एवं सिरोसिस जैसे रोगों में बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है। इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, जब लीवर की बीमारी की लास्ट स्टेज आती है तो कई रोगियों के शरीर में सूजन आ जाती है, शरीर फूल उठता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी कार्डुअस सबसे अधिक लाभदायक मेडिसिन रहती है। इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। कार्डुअस रोगी में कब्ज़ की समस्या बनी रहती है। गांठ गांठ मल होता है, मल द्वार में जलन एवं दर्द होती है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेटिवली होता है, यानी एक बार कब्ज़ की समस्या होती है और अगली बार अतिसार की समस्या होती है। ऐसे में कार्डुअस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग पाइल्स, प्रोलैप्स ट्रैक्टम में बहुत ही अच्छे परिणाम देती है। इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। कार्डुअस रोगी के पेशाब का रंग गहरे पीले रंग का होता है। देखने पर वह क्लाउडी
यानी धुएं के समान दिखाई देता है। किसी भी रोग में ही क्यों ना पेशाब गहरे पीले रंग का दिखाई दे, क्लाउडी या फिर गंदला ही क्यों ना दिखाई दे, वहाँ पर कार्डोस्कोपी उपयोग करना चाहिए, जैसे कि पीलिया का रोग होने पर इसे उपयोग में लाया जाता है। कार्डोस रोगी को हिप जॉइंट में दर्द होती है जो कूल्हों से होते हुए जांघों में उतर आती है, जो झुकने पर बढ़ जाती है। रोगी को बैठकर उठते समय कठिनाई होती है। अक्सर बैठने के बाद रोगी को पांव में कमजोरी महसूस होती है। इन रोग लक्षणों के चलते कार्डोस अर्थराइटस शियाटिका जैसे रोगों में लाभदायक मेडिसिन रहती है। दोस्तों, अब आखिर में जानते हैं कि बताए हुए रोग लक्षणों के मिलने पर कार्डोस मेरिनस को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए। बताए हुए रोग लक्षणों के मिलने पर कार्डोस मेरिनस को मदर टिंचर फॉर्म में उपयोग लाना चाहिए। 1/4 कप पानी में 10 से 20 ड्रॉप्स को डालकर पीना है। ऐसा आपको दिन में 3 बार दोहराना है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी।